जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा आज का ये प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसका मदा और मकसद ये है कि हमारी जो एरिया यहाँ पे दुर्बल बेमना हांजी और शरीफ आबाद के सारे लोग हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। हमारा ये मकसद है कि हमारा जो फीस था, अगर हम 2023 की बात करें तो नवंबर में हमारा फीस आ रहा था 700, उसके बाद 2024 में इन जनवरी में हमारा फीस जो हुआ वो 1300 हुआ। अब उसके बाद अगर आज की बिल हम देखेंगे, हमारा जो फीस है वो 2100 है। तो इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है ये हमसे बहुत इंजस्ट कर रही है। दो महीने में इन्होंने 1600 रुपीज उन्होंने इंक्रीज किया हमारे फीस को। अगर हम इस एरिया की बात करेंगे, इस एरिया में जितना भी जमीन था हमारा, जो मिल्कियत जमीन था, जिसकी अगर रेट अगर देखेंगे बेमना में 1.5 करोड़, 3 करोड़ का एक एक कनाल है, लेकिन आज अगर हम देखेंगे वो जमीन उसको कोई 10,000 में भी नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप देखोगे जितने भी पीडीडी डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स है, चाहे 1,33,000 की वायर है या 11,000 है या उसके अलावा बाकी जितने भी वायर है, वो सारे उसके ऊपर है। जो जमीन है वो सारा बर्बाद हो गया, ना हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते, इवन की हम कल्टिवेशन भी नहीं कर सकते। वहाँ पे जो जमीन है वो टोटली बर्बाद हो गया है, और उसके बावजूद जो भी हमारा जमीन था वो तो सारा गवर्नमेंट ने लिया। जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, हुकुमरान है, बड़े बड़े दावा कर रही है सबका साथ सबका विकास, मैं एलजी गवर्नर श्री मनोज साहब से ये गुजारिश करता हूँ, क्या यही सबका साथ सबका विकास है? आप देखिए ये मजलूम यहाँ के बच्चे, उसके बावजूद अगर आपको पता होगा इन 2022 से अगर आप देखेंगे यहाँ पे ना कोई यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है इस गांव में, दुर्बल बेमना शरीफाबाद और हांज, यहाँ के जो पढ़े लिखे पीएचडी करके जो लड़के हैं वो घरों में बैठे, तो कहाँ से लाएंगे हम इतना फीस? जो गवर्नमेंट हमारे साथ ये इंजस्ट करिए, खुद के हमारा जो ये मकसद है आज का पीसफुल प्रोटेस्ट करें, क्योंकि हमारा आईन रहे कश्मीर को हमने बदल दिया है। क्या यही बदल दिया है अपने कश्मीर? यही कश्मीर है। बाकी आप सब जानते हैं 2004 में अगर आप देखोगे यहाँ पे जो बड़ा जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे शहीद हो गए, ऑन स्पॉट डेथ हो गई उनकी, उनके साथ नाइंसाफी हुई, फिर भी ये गवर्नमेंट अभी भी साइलेंट है। तो यही हम मेरी मैसेज रहेगी एलजी साहब से, शरीफाबाद और बेमना, हाँ जी हाँ जी, और इन तीनों गांवों का पावर फ्री होना चाहिए। बाकी असला